अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज 27 जुलाई 2020। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो, बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट न करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न एक, हमें बाबा की श्रीमत पर चल पावन बनना है, आज की मुरली में बाबा क्या श्रीमत देते हैं? बाबा पहले यह पक्का कराते हैं कि हम बच्चे बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, उनसे बेहद का सुख लेने के लिए श्रीमत लेते हैं। बाबा मत देते हैं कि एक बाप की याद में रहो। बाबा पावन बनने के लिए राय देते हैं कि अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करो। यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ ही होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत पर चलो, अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाबा कहते हैं कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पापों का बोझ सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यह खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। प्रश्न दूसरा, कई बच्चे पूछते हैं कि शिव बाबा को कैसे याद करें, आत्मा परमात्मा का रूप क्या है, तो बाबा ने इस पर क्या उत्तर दिया? बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। आत्मा परमात्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, उनको जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म है, फायरफ्लाई से भी महीन है। आत्मा स्टार मिसल सूक्ष्म है, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। प्रश्न तीसरा, बाबा कहते हैं बच्चों को खुशी भी है तो फाखुर भी है, इसमें खुशी की बात क्या है और नशा कैसा है? बच्चों को खुशी होती है कि हमें अब वापस परमधाम बाप के पास जाना है, और इस बात का नशा भी रहता है कि हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। हम सब यहाँ एक्टर्स हैं, जानते हैं इतने सब देवताएं नंबरवार है, पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं, सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है, यह ड्रामा बना बनाया है। प्रश्न, भक्ति मार्ग में गाया जाता है कृष्ण के मुख में माखन, बाबा ने इसे कैसे समझाया है? इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, यह खेल ही भारत पर है। भारत पहले ऊंच था, अभी कितना गरीब है, गरीब को ही सब मदद देते हैं, तो फिर अब रिटर्न सर्विस हो रही है, जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। अब ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं और माखन बच्चों को मिल जाता है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है, सारे विश्व के मालिक हम बच्चे बनते हैं। इसी के लिए भक्ति मार्ग में गाया गया है कृष्ण के मुख में माखन। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं होगा, डायनेस्टी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाव में पद्म होते हैं। प्रश्न, बच्चों को कैसे कैसे पेपर्स आते हैं और बाबा कैसे नशा बढ़ाते हैं? बच्चे याद भूल जाते हैं, माया अपोजिशन में है तो खुशी भी उड़ जाती है, फिर माया भुला देती है तो फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। बाबा कहते हैं बाप के बच्चे बने हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए। बाबा को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यह समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बच्चे दूसरों को आप समान बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा, कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? तकदीर वाले बच्चे सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे,
अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर विकर्म विनाश करेंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। जो पासवेद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। प्रश्न, बाबा अपने में और हम ब्राह्मण आत्माओं में अंतर किन शब्दों में समझाते हैं? बाबा कहते हैं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्तिधाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। बाबा कहते हैं, बाप की महिमा भारत की महिमा अपरम अपार है, तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है, मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबको प्यार से समझाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो ईविल सी नो ईविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान, एक सेकेंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान बाबा, इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर विश हो जाओ तो टाइम न लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।